नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर विगत कई समय से राजनीतिक दलों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा और क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 20 तारीख को विगत दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए और उन्होंने मंच से नागदा को जिला बनाए जाने की घोषणा करी। उसके साथ साथ उन्होंने जो वाक्य बोला उससे पूरे नगर और आसपास की तहसीलों में भ्रम की स्थिति फैल गई। उन्होंने यह कहा कि जो तहसीलें स्वेच्छा से शामिल होना चाहती है उन्हें नागदा जिले में शामिल किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में आसपास की तहसीलों में खाचरोद ताल वहाँ पर इसको लेकर विरोध के स्वर उठने लगे और वहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर इसका विरोध किया। आज समाचार पत्रों में अभी 3 दिन पहले जब ये जानकारी सबके सामने आई कि नागदा को जिला बनाए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और दावे आपत्ति का प्रस्ताव जो सूचना है वो सार्वजनिक कर दी गई, उसके बाद से हमारे पास की तहसील खाचरोद तहसील जो हमारे नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में आती है वहाँ के नागरिकों ने जो विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय कहो या राजनीतिक अपरिपक्वता की बात कहें या फिर वोट को लेने के लिए किसी भी स्तर तक जाकर जुमला या झुंझुना पकड़ा देने की बात कहें, तो आज समाचार पत्रों में जो विधायक जी के द्वारा खाचरोद के नागरिकों को जो आश्वासन दिया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं मन दुखित होता है। आपके द्वारा ये आश्वासन दिया गया विधायक जी के द्वारा कि खाचरोद और नागदा में 50% कार्यालय विभाजित कर दिए जाएंगे, क्या ऐसा कोई नियम है या इस पूरे भारतवर्ष के कोई सा भी एक जिला आप ऐसा बता दीजिए जहाँ का जिले का मुख्यालय के कार्यालय 2 तहसीलों में विभाजित हो? आप वोटों के लिए कुछ भी कह सकते हो, ये उम्मीद कम से कम आपसे इसलिए नहीं थी कि आप 20 वर्षों से तो विधायकी कर रहे हो और आपको राजनीतिक क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है। मैं नहीं समझता कि खाचरोद नगर के जो लोग आज विरोध कर रहे हैं या जो लोग अपनी अपनी भावनाओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उनको आप विश्वास में लेकर ये कहते हैं कि नागदा को जिला बनाए जाने की जो प्रक्रिया पूरी हो रही है उसमें आप विरोध ना करें और जो आपकी भावनाएं हैं उसका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा, तब तो बात समझ में आती थी। लेकिन सिर्फ वोट के खातिर और खाचरोद के भी बुद्धिजीवी नेता जो आज वहां पर विरोध कर रहे हैं वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि ये जो 50% वाला काम कभी नहीं होना। किसी भी सरकार में, किसी भी नियम में, किसी भी कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक जिला के मुख्यालय 2 तहसीलों में अलग अलग कार्य विभाजित हो जाए। लेकिन आपने खाचरोद नगर के उन नागरिकों को खुश करने के लिए ये वाली घोषणा कर दी। ये पिछले जो जुमले हैं, पिछले जो झुंझुने हैं जो आपने नगर की जनता को BCI बंद होने के समय दिए थे, इस ग्रेसिम को VRS के समय दिए थे, ये वही झुंझुना साबित होगा और फिर आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। मुझे लगता है कि ये जो कल आपने खाचरोद के जो व्यापारी संगठन हो या बुद्धिजीवी नागरिक हो उनके द्वारा किए जा रहे विरोध को शांत करने के लिए जो ये बचकानी बातें की है, बचकाना आश्वासन दिया है, ये मुझे तो जहाँ तक मुझे आप ज्ञात है, मैं भी लंबे समय से आपके साथ कार्य कर चुका हूँ, आप स्वयं इस तरह की
बात नहीं कर सकते। जरूर किसी ने भांग पी के आपको ये राय दी होगी और आपने उस राय पे अमल कर दिया, उस सुझाव को मानकर पेपर सार्वजनिक कर दिया। तो ऐसे लोगों से बचे विधायक जी, कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव है और जब आप लोग, आपको सबके पास जाना है, आप नागदा नगर के नागरिकों को किस मुंह से ये विश्वास दिलाओगे कि मैं 50% कार्यालय खाचरौत खोलूंगा? ये कोई मजाक की बात हो गई क्या? अभी वर्तमान में जितने कार्यालय खुल रहे, आपका वल्लभ भवन जिसमें आप विधानसभा में जाते हो, सारे कार्यालय सारे मंत्रालय उस वल्लभ भवन में कर दिए गए, ऐसी व्यवस्था करी। अभी नया संसद भवन बन रहा है, सेंट्रल विस्टा मोदी जी जो बना रहे हैं, उस सेंट्रल विस्टा में पूरे केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय उस संसद भवन के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, निर्माणाधीन उसमें ही करे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वर्टिकल बिल्डिंग करके और पूरे कार्यालय एक बिल्डिंग में रखने की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, आपके द्वारा ये 50-50% की बात करना निश्चित रूप से नागदा नगर के नागरिकों को तो आहत कर ही रही है। और मैं समझता हूँ कि खाचरौत नगर के वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनके भी गले ये बात नहीं उतरी, नहीं तो वो आज ये नगर खाचरौत बंद कर आह्वान नहीं करते और वो बंद नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि विधायक जी जो बोल रहे हैं वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। हमारा आदरणीय विधायक जी से अनुरोध है कि जिले की जो आपकी लड़ाई है, पूर्व विधायक साहब और वर्तमान विधायक साहब की, वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की बचकानी बयानबाजी से आप बचें। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि स्वेच्छा से जो तहसील शामिल होना चाहती शामिल करें, और उन्हीं को लोगों को खाचरौत में आगे कर रखा है कि आप विरोध भी करो। तो इस तरह नगर के लोगों में, क्षेत्र के नागरिकों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी विश्वास का माहौल जागृत नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ही लोग खाचरौत तहसील में, खाचरौत नगर में विरोध कर रहे हैं, जो आपके साथ आए दिन उठते बैठते और घूमते हैं। इस तरह की बातें, और वो भी चुनाव के समय, चुनाव के पूर्व, ये शोभा नहीं देती है। मेरा दोनों राजनीतिक दलों से हमारा अनुरोध है, आम आदमी पार्टी का अनुरोध है, कि नगर हित, जनहित, क्षेत्र हित और नागरिकों का व्यापक हित सोचकर अपनी बयानबाजी करें।